intransigent, inkling, ephemeral, fence-taking, prevaricate, sanctimonious, adamant, encomium, repartee और melody. क्या आप जानते हैं इन वर्ड्स का क्या मतलब है? यदि नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में इन्हीं 10 वर्ड्स को कवर करेंगे और याद करेंगे किजी ट्रिक के माध्यम से. तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. आज की वीडियो का पहला वर्ड है इंकलिंग. इंकलिंग यह एक नाउन है और इसका मीनिंग है हिंट या संकेत. इंकलिंग इसका मीनिंग है हिंट या संकेत. अब देखिए इंकलिंग शब्द से निकल के आएगा इंक. इंकलिंग इंक, और इलेक्शन में इंक इंकलिंग के लिए लगाई जाती है, यानी कि हिंट के लिए संकेत के लिए लगाई जाती है कि आप वोट दे चुके हैं. ठीक है, इंकलिंग शब्द से हमने निकाला इंक, और इलेक्शन में इंक किस लिए लगाई जाती है? इंकलिंग के लिए, हिंट के लिए, संकेत के लिए कि आप वोट दे चुके हैं. बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ. अगला वर्ड है प्रिवारिकेट. प्रिवारिकेट और इसका मीनिंग है लाई छल कपट. प्रिवारिकेट का मीनिंग है छल कपट. अब देखिए प्रिवारिकेट को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें छुपा है पारिवारिक. प्रिवारिकेट यानी कि पारिवारिक, और पारिवारिक मामलों में हमें कभी भी प्रिवारिकेट यानी कि छल कपट नहीं करनी चाहिए. ठीक है, प्रिवारिकेट शब्द से हमने निकाला पारिवारिक, और पारिवारिक मामलों में हमें कभी भी प्रिवारिकेट यानी कि छल कपट नहीं करनी चाहिए. बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ. अगला वर्ड है सैंक्टिमोनियस. सैंक्टिमोनियस और इसका मीनिंग है हिपीक्रिटिकल यानी कि पाखंडी. सैंक्टिमोनियस का मतलब है पाखंडी. अब देखिए सैंक्टिमोनियस शब्द में छिपा है संत प्लस मुनि. सैंक्टिमोनियस यानी कि संत प्लस मुनि, और कुछ संत और मुनि कैसे होते हैं? वो सैंक्टिमोनियस होते हैं, यानी कि हिपीक्रिटिकल होते हैं, पाखंडी होते हैं. ठीक है, सैंक्टिमोनियस शब्द से हमने निकाला संत और मुनि, और कुछ संत और मुनि सैंक्टिमोनियस होते हैं, यानी कि हिपीक्रिटिकल होते हैं, पाखंडी होते हैं. बात करेंगे अगले वर्ड की. अगला वर्ड है एनकोमियम. एनकोमियम और इसका मीनिंग है प्रेज प्रशंसा करना. ठीक है, एनकोमियम का मतलब है फ्रेज प्रशंसा करना. अब देखिए एनकोमियम शब्द से निकल के आएगा इनकम, और अक्सर ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की इनकम ज़्यादा होती है अक्सर लोग उसकी क्या करते हैं? एनकोमियम करते हैं, यानी कि प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं. ठीक है, तो एनकोमियम शब्द से हमने निकाला इनकम, और जिस व्यक्ति की इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है अक्सर लोग उसकी क्या करते हैं? एनकोमियम करते हैं, यानी कि प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं. नेक्स्ट वर्ड वी हैव अफेमरल. अफेमरल यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है शॉर्ट लिविंग यानी कि क्षणिक. ठीक है, अफेमरल का मतलब है क्षणिक. अब देखिए अफेमरल साउंड्स लाइक अफीम. अफेमरल अफीम, और अफीम का नशा अफेमरल होता है, यानी कि शॉर्ट लिविंग होता है, क्षणिक होता है. ठीक है, अफेमरल शब्द से हमने निकाला अफीम, और अफीम का नशा अफेमरल होता है, शॉर्ट लिविंग होता है, क्षणिक होता है. अफेमरल क्या होता है? शॉर्ट लिविंग या क्षणिक क्या होता है? अफीम का नशा अफेमरल होता है, शॉर्ट लिविंग होता है, क्षणिक होता है. बात करेंगे अगले वर्ड की. अगला वर्ड है रेफाटी. रेफाटी और इसका मीनिंग है रेस्पॉन्स, रिफ्लाई या फिर प्रतिउत्तर. ठीक है, रेफाटी का मतलब है रेस्पॉन्स, रिफ्लाई या प्रतिउत्तर. ठीक है, रेफाटी शब्द से निकल के आएगा पार्टी, रेफाटी, और इस शब्द से हमने निकाला पार्टी. अब देखिए अगर किसी भी पार्टी का कोई भी नेता किसी दूसरी पार्टी के बारे में कुछ कमेंट करते हैं तो दूसरी पार्टी यानी कि विपक्ष वाली पार्टी क्या करती है? उस पार्टी को क्या करती है? रेफाटी करती है, यानी कि रेस्पॉन्स करती है, रिफ्लाई करती है. ठीक है, रेफाटी शब्द से हमने निकाला पार्टी, और एक पार्टी विपक्ष पार्टी को क्या करती है? रेफाटी करती है, यानी कि रेस्पॉन्स करती है, रिफ्लाई करती है. नेक्स्ट वर्ड मेलेडी. मेलेडी और इसका मीनिंग है इलनेस, बीमारी. ठीक है, मेलेडी का मतलब है बीमारी. अब देखिए मेलेडी यानी कि मालाडी. मेलेडी मालाडी, और मालाडी की गोली हम लोग किस लिए लेते हैं? मेलेडी को मिटाने के लिए, मेलेडी को दूर करने के लिए, यानी कि बीमारी को दूर करने के लिए. ठीक है, मेलेडी शब्द से हमने निकाला मालाडी, और मालाडी मेडिसिन का यूज किया जाता है मेलेडी को नष्ट करने के लिए, यानी कि इलनेस बीमारी को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए. ठीक है, तो मेलेडी का मतलब है इलनेस, बीमारी. बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ. अगला वर्ड है फेंस टेकिंग. फेंस टेकिंग यह एक एडजेक्टिव है
और इसका मीनिंग है हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। ठीक है, फेंस टेकिंग का मतलब है मेहनती। अब देखिए, पेन स्टेकिंग शब्द से निकल के आएगा, पेन प्लस टेक, पेन यानी दर्द और टेक यानी लेना। पेन स्टेकिंग शब्द से हम लोगों ने निकाल लिया पेन प्लस टेक। और जो व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए पेन को टेक करता है यानी कि दर्द को टेक करता है, वो निश्चित रूप से क्या होता है, पेन स्टेकिंग होता है यानी कि हार्ड वर्किंग होता है, मेहनती होता है। ठीक है, पेन स्टेकिंग शब्द से हमने निकाला पेन प्लस टेक। और किसी भी काम को करने के लिए यदि कोई व्यक्ति पेन को टेक करता है यानी कि दर्द को लेता है, सहता है, तो वो निश्चित रूप से क्या होता है, फेंस टेकिंग होता है यानी कि हार्ड वर्किंग होता है, मेहनती होता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट और इसका मीनिंग है एडामेंट यानी कि हठी। ठीक है, इंट्रांसिजेंट का मतलब है एडामेंट, हठी। अब देखिए, इंट्रांसिजेंट में छुपा है इन ट्रेन प्लस जेंट। ठीक है, इंट्रांसिजेंट शब्द में छुपा है इन ट्रेन प्लस जेंट। और इन ट्रेन में कुछ जेंट ऐसे हैं जो काफ़ी इंट्रांसिजेंट हैं यानी कि एडामेंट हैं, हठी हैं। ठीक है, क्यों हठी हैं, क्योंकि एक वृद्ध महिला खड़ी है और उसको लोग क्या कर रहे हैं, सीट नहीं दे रहे हैं, वो लोग काफ़ी क्या हैं, इंट्रांसिजेंट हैं यानी कि एडामेंट हैं, हठी हैं। ठीक है, तो इंट्रांसिजेंट का मतलब है हठी, इंट्रांसिजेंट, हठी। नाउ टेस्ट योर मेमोरी, चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना याद रहा। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है इंकलिंग। इंकलिंग यह एक नाउन है, आपको मिलते हैं 3 सेकंड, अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। इंकलिंग सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमने बताया था आपको इंकलिंग यानी कि इंक, और इंक का प्रयोग किया जाता है इलेक्शन में इंकलिंग के लिए यानी कि हिंट के लिए, संकेत के लिए कि आप वोट दे चुके हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, हिंट या फिर संकेत। टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है रेफर्टी। रेफर्टी अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। रेफर्टी, रेफर्टी यानी कि पार्टी, और एक पार्टी ने विपक्ष पार्टी को क्या किया था, रेफर्टी किया था यानी कि रेस्पॉन्स किया था, उसका रिप्लाई किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, रेफर्टी का मतलब है रेस्पॉन्स करना, रिप्लाई करना यानी कि प्रत्युत्तर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।